जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा la 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 kuch pa kar khona hai, kuch kho kar pa छिपा कर खोना है, कुछ खो कर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वाह सानिया, तुमने हमारी जो शाम है वो बस सुहानी कर दी। और हमारे प्रोग्राम में आज फर्स्टली तुमने ये गाना शामिल करके चार चांद लगा दिए। जी हाँ नाज़रीन, हाँ जिस माहौल में गाए माहौल को खूबसूरत बना, खूबसूरत बना देते हैं और इतना सुकून आ रहा होता है सुनते हुए। बहुत से सॉन्ग्स हैं कि माहौल को खूबसूरत कर देते हैं। और इस तरह के गाने अगर हम शाम जे पहर में ऐसा बुदू तो है वाड़े वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी नाज़रीन, खूबसूरत सिंगर ऐसा अगर सानिया खान जो गड है जो माशाल्लाह से इतना पॉपुलर गाना जीना ऑडियोज दिन असा वट अ भी जो है लिस्ट भी मौजूद है। फरमाइशों असान गेस्ट की भी फरमाइशों के शामिल जरूर कदासी। वो सानिया का सर रिक्वेस्ट करनी थी, सानिया तुम हमारे पास हो, दो आज हमारे पास हो और तुम जो है वो हम हमारे जो गेस्ट हैं माशाल्लाह से। मैं अपने गेस्ट जो भी तारुफ करें छो मां चो तो अज थोड़ो सो असान चेंज क्यों वो चेंज ये कहीं जो आना सा इंट्रो में ही आना इतनी प्यारी सी आवाज़ जिका सानिया खान जी वह शामिल क्यों। सो माशाल्लाह से इलाही बेहतरीन प्रोड्यूसर असा गड आहिन जेके आने सिंधी मीडिया पिण उर्दू मीडिया में भी इलाही बेहतरीन कम करे रहा आहिन माशाल्लाह से। जेके स्पेशली जेके आहिन डॉक्यूमेंट्रीज में इलाही वॾो उन्हनि जो नालो आहे। 2009 जे ईयर में जेको आहे उन्हनि अवॉर्ड बि माणियो आहे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर जो। ऐं सभिनी खां वॾी जेका ॻाल्हि आहे असांजे अॼु प्रोग्राम में उहा अॼु असां वटि शख़्सियत मौजूदु आहे। उहे उन्हनि जा फर्ज़ंद आहिनि इलाही वॾे राइटर सर अब्दुल गफ़ार तबसुम साहबु, जेका उन्हनि जा फर्ज़ंद अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। सर ख़लील जिब्रान असां वटि अॼु मौजूदु आहिनि। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
थैंक यू सो मच, इट्स ऑनर टू बी हियर। मारा ठीक है, तां की आयो? ठीक ठाक सफा यान माना बस इनर फर्स्ट में गाना बुदी मां लिखी ख्यालन में हली वयम आई मां जे तो बस हम के एंट्रो ने जेडो पंदो बस कचेरी थी नी लाइन बस मां शुरू थी वयम कचाई नी की चार चंद्र एक्चुअली चार ना पांच चांद है यहां पे सेट एक एक चांद का इजाफा हो गया सानिया। अच्छा मैं तो मैं कुछ और समझी। अच्छा वो दूसरे वाले चांद, दूसरे वाले अच्छा कलील जिब्रान का नाम मैंने बहुत सुना हुआ है और मैं आई थिंक कॉलम भी आए हैं आपके, तो मैंने बहुत सुना हुआ, आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल आपने सही सुना है, लेकिन जिसकी आप बात कर रही हैं वो एक बहुत एक अपनी जगह है उनकी। अच्छा, स्ट्रीम है खलील जिब्रान जो ओरिजिनल लिखते हैं। अच्छा 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 वो कुछ कोई और है और आप तो अब अच्छा, वाली साहब ने मेरे अच्छा नालो नालो जी को आए हां सेम 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 ही आए वो कॉलम जिकेनुए कॉलम निगार हैं वो बड़ा अच्छा लिखते हैं। हां हां माशाल्लाह उनका नाम मैंने सुना हुआ है खलील जिब्रान, मैंने कहा यार खलील जिब्रान मेरे बराबर भी हो गए शायर हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाइक बड़ा जिकेनुए सिद्धि शायर हैं खलील जिब्रान ने उन्होंने आने यो ही चवे पे ही तो मुझे को वो नालो उद्यो आए पर पर इलाही वही वही शख्सियत आए अस चाहिंदी तो वो भी असि प्रोग्राम में अच्छा तशरीफ खड़े पर वो किस्मत किस्मत की गाल होंगी है ना सर अली अज जो है वो आ ना अस हाँ चम तो म्यूजिक असट शामिल थी वही है हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन के तरफ भी हल्दी हाइटी जो जी असट एहतमाम भी अज है अस इलाही सारे खोर सारे जो शूं भी हैं। हाइटी में वैसे क्या पसंद करती हो सानिया? खाना खाती हूँ और कौन से टाइम खाती है? अभी बस मैं सुबह उठ कर एक मिनट दिन में एक बार कौन से टाइम खाती है? अभी आई हूँ तो नाश्ता किया है, नहीं अभी नाश्ता किया है, ठीक है अभी नाश्ता किया है और अब रात में शायद 10-11 बजे खाना खाऊंगी बस। अच्छा बस यही होता है तुम्हारा? अच्छा वैसे है। बोलते हैं कि गर्मी में ज्यादा हो जाता है यार नहीं खाना खाया जाता नहीं नहीं खाना। अच्छा यही होता है ना तो जो सियारो आ उन में ऐसा कि घनी भूख लगती है ना, सर्दियों में भूख लगती है खाना पीना भी अच्छा लगता है और गर्मियों में तो बस। अच्छा मुझे इतना बताओ किचन में रहना भी एक मुसीबत ही है, हम वाली खवातीन नहीं जी बिल्कुल इंडिया। अरे वाह सीखो यार कुछ सीखो। छा सुटो छा पचाई वेंदा बिरयानी? आई कैन या तुम्हें आती है? मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है ये काम। तुम जाओ सोफे के पीछे जो है ना छुप जाओ शर्म से, तुम्हें नहीं आती बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल काम लगता है। चिकन सूप समथिंग चाइनीज आई कैन मेक इट चाइनीज मुझे आवाज जबरदस्त हां वो जो बातचीत कर लेना। अच्छा माशाल्लाह से तो मैं ना इतनी सी यार कम उम्र में इतना बेहतरीन गा रही हूँ, कब से कितने ईयर्स हो रहे हुए हैं तुमने स्टार्ट की है सिंगिंग? मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मैं सिंगर बन सकती हूँ या तुम्हें शौक था? बस शौक वो इस तरह का शौक था कि जैसे सब कज़न आ गए घर में जमा हैं वो कुछ गा रहे हैं हम कुछ गा रहे हैं अंताक्षरी टाइप हाँ, ना हाँ, इस हाँ, तरह मुकाबलेबाजी होती थी पर कभी पता नहीं था फैमिली में भी कोई नहीं सोचा ही नहीं था। फिर हाँ, एक कोई पीसी में इवेंट हो रहा था तो वहाँ कोई उस्ताद साहब गा रहे थे तो मैंने वैसे ही एक गाना गा दिया तो उस्ताद साहब ने बोला आपका तो वोकल बहुत अच्छा आप तो गा सकते हो, तब मुझे पता चला कि मैं गा सकती हूँ। तुम गा सकती हो? वैसे तो बस ना ऐसे नॉर्मली गाती थी जैसे लड़कियां गाती हैं घर में जो शादी वगैरह में हाँ, लेकिन वो नहीं कर सकती कि बीच में ढोल रखूं और टप्पे गाना शुरू कर वो वाला मैं हालांकि फैमिली में ऐसा होता है कोई शादी होती है तो आप आए भाई आप तो सिंगर हैं आपको तो गाना आता होगा, अब मैं उनको क्या बताऊं यार हम वाले सिंगर नहीं हैं जो ढोल रख के गाना शुरू कर देते हैं हमारा तो गले खराब हो जाएंगे। हम लोग क्या स्टूडियो वाले लोग हैं या लाइव भी गाते हैं लेकिन माइक होता है प्रॉपर एक चीज़ होती है तो हाँ, वो बोलते हैं नहीं भाई आपको तो गाने आते हैं आप तो ढोल रखते हैं बस शुरू कर, इस तरह नहीं होता। हाँ बिल्कुल वही है और फिर है ना मावरी उर्दू में अची आए थे ना जी अस फैमिली वा है ना वो एतराज़ कर स्टार्ट तो यार तू सिंगिंग करी थी या न असाजे वो फिर है ना एतराज़ में ले लेते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारे जान मूझ के मना कर रही है एंड ऑल दैट ना ये होते हैं ऐसे फैमिलीज में। शुरू में यही होता था मैं सिंगिंग के लिए जाती थी तो बड़ा जो है ना घर वाले बाहर वाले अब्बू को तो बहुत टाइम तक पता ही नहीं था कि मैं सिंगिंग करती हूँ बहुत टाइम तक नहीं पता। फिर किसी चैनल पे मैं छुप छुप के तो ना फिर किसी चैनल पे मुझे बुलाया था मुझे शौक तो था तो मैं चली गई वो चैनल अब्बू के सारे दोस्तों ने देखा पूरे खानदान ने देखा अब्बू को कॉल करके
ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। फिर तो फिर उन्होंने मुझसे, मैंने कहा वो कुछ कॉलेज के दोस्त थे वो गए हुए थे और ये मैं लेकिन बहरहाल उस दिन जो है ना अच्छी खासी। फिर राजी कब हुए और कैसे हुए राजी? फिर मैंने अपनी अम्मा को पटाया थोड़ा सा ना, तो मैं जब कोई प्रोग्राम होता, हाँ अम्मा काम आती ऐसे टाइम पे बड़े काम आती है ना, तो वो असल में बेटियों के दिल की, बच्चों के दिल की बात समझ लेती है। मैंने अपनी अम्मा को पटाया, मैंने कहा अम्मी ऐसा ऐसा है आप चले मेरे साथ। मैं उनको लेकर गई एक दो तीन, अब जब मेरे प्रोग्राम काफी अच्छा हुआ और वहाँ पर वो शायद मेरी अम्मी साथ थी तो काफी मुझे इनाम इकराम बहुत कुछ दिया ना, तो मेरी अम्मा इतनी खुश, मेरी अम्मा बोलती है मुझे नहीं पता था मेरी बेटी मतलब इतना कुछ कर सकती है, मुझे नहीं पता था। तो फिर मेरी अम्मी ने थोड़ा थोड़ा छूट दी। वाह वाह, ई हुंदो आए त जदी आना असा के खबर ना हुंदी आए त असा में केड़ो टैलेंट लिकियल हुंदो आए, पर जदी असा वो परफॉर्म करना, जैसे फर्स्ट टाइम तुमने स्टेज पे गाया और इतने बड़े उस्ताद साहब उन्होंने बोला कि यार तुम सिंगर बन सकती हो, फिर तुमने पहचाना अपने टैलेंट को कि हाँ यू कैन बी ए सिंगर और तुम अब देखो माशाल्लाह से इस मकाम पे पहुंची हो जो तुम्हें दुनिया जो है वो पहचान रही है। वाह वाह माशाल्लाह। एक दफ़ा कॉन्फिडेंस आ जाए चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सिंगिंग हो, डायरेक्शन हो, एक्टर हो या जो भी, एक दफ़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए बंदे के अंदर, देन ही कैन मूव द माउंटेन। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ भाई माँ उर्दू ऐसा तव बुधा तो तुम पैं फर्स्टली आने माशाला से बाबा जो तो एडो वो नालो आई एत बेहतरीन पोइट्री आई माँ पर्सनली उनकी इलाही वही फैन आया। एक दफ़ा असने प्रोग्राम में गेस्ट भी आया हुआ पर बस यूँ हों ना जो किस्मत में लिखल हों वो ही मुझी मुलाकात न थी सके उन्होंने ही वही जो है बो होस्ट जी उन्होंने होस्ट किया मुझे प्रोग्राम। सो मुझी इलाही ख्वाहिश है अगर सर जिसंदा भी होजन तो प्लीज़ असाने जो वरी सा घुराइंदी तो प्लीज़ अचन असाने तुम थोड़ी सी सिफारिश कर। अच्छा मुझे सवाल यो तो वहाँ जी करियर जी स्टार्टिंग क्यों हुई माना किथा स्टार्ट किया? ओके बेसिकली इट्स अ लॉन्ग जर्नी कट इट शॉर्ट। 2004 में जडे मीडिया जो बूम आयो पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ जो दौर हो राइट एंड द नया नया चैनल्स अचन पे आता है। लकीली आई गॉट चांस स्टार्टिंग मुझे करियर जियो में थो जियो में एग्जैक्टली तो उतने असं शुरू में करंट अफेयर जो डिपार्टमेंट हो अस उतना डिफरेंट शोज कया प्रोग्राम्स कया ट्रांसमिशन क्यों लाइव आहिस्ता आहिस्ता इनफैक्ट स्टिल आई एम लर्निंग बट जो है जो भी है थोड़ी घनी नॉलेज जी भी गेन कई एक्सपीरियंस का ही गेन कई आई स्टार्टिंग मुझी जियो में थी। जियो मां स्टार्ट की। वाओ पो वरी वो माना के थ्रू स्टार्ट की पो तहां वरी डायरेक्शन जे साइड आयो पोवर प्रोडक्शन जे साइड आयो एग्जैक्टली जी बिल्कुल थिंदो भी यही है त वंस ता के फील्ड में वणो ता त मुजी या दोस्तन सबन के यही रिक्वेस्ट आ है या मैसेज भी आ त ता जे फील्ड में वणो ता ता उन फील्ड जे बिल्कुल जड़ ता हल्या वणो जड़ ता हल्या एग्जैक्टली वाओ ताकि छोकर अजकल जो कॉम्पिटिशन जो दौर है और नयू नयू टेक्नोलॉजीज असि बखुदा इन फील्ड में इनफैक्ट यू नो बेटर के नयू कैमराज नया टेक्नीशियंस नयू मशीन एग्जैक्टली तो सो उन कोपअप कर बीटअप कर यू हैव टू बी यू नो इन्वॉल्व ईच एंड एवरी थिंग ताकि पानी प्रोडक्शन है पानी फील्ड जे क्या उन में ता एक मास्टर थी कोई जे के है ना जे 15 का 16 साल वा जत्रो माने के मीडिया में कम कयो किए था है ना पो किए द फील के की एक्सपीरियंस रहो आई कितरा उतार चढ़ाव आया या ना तहां जला बिल्कुल इजी हो एकड़ो नो ना गॉड गिफ्टेड हुंदो आए त भाई मुश्किलात ना इन फेस करनी एक्चुअली गॉड गिफ्टेड ता है बाबा जे थ्रू ही फील्ड में तुम वो पाइट तो उनके बिल्कुल जड़ तीन पहुंचो यो न थे तो मतलब यो तुम जबान तो न अच यार मुझे नहीं आता या मुझे न तो अच्छे कोशिश करो तो जै कम में जो तुम परफॉर्म किया या जो स्टार्ट किया टेक इट टू द एंड या टेक इट टू द हाई बिल्कुल आई जो है एक्टिंग या करे एक्टिंग होस्टिंग होस्टिंग में ना ओनली बिहाइंड द कैमरा बिहाइंड द कैमरा करे कैमरा ऑपरेट की बिल्कुल कई लाइट्स कई लाइट्स खयो एग्जैक्टली असन खयो से फील्ड में इनफैक्ट रिसेंटली एकड़ो सॉन्ग कयो सी असी कोडी जी आइन ते त उते वी वर जस्ट लाइक अ टीम आउ
चाय भी कब भी लाइट्स भी एवरी वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली टाइप यू वांट टू जो बिल्कुल यू प्लस पॉइंट हुंदो आए मानो जो के भी कम के ऐब ना समझे जी हां वहां जको है माशाल्लाह से इतरो नालो आए वहां जो इंडस्ट्री में बिल्कुल एज अ प्रोड्यूसर या एज अ डायरेक्टर वहां जके लाइट खणी बियो मतलब या दिसना त क्या कर रहे हैं इनफैक्ट मुखे वो दिन भी याद आ त असा ट्रेडिंग बडी असा घर भी कोन मिलदा सी इनफैक्ट हाने भी जके दोस्त आएन जके ट्रांसमिशन लॉन्ग ट्रांसमिशन कन था दे आर डूइंग वेरी डेडिकेटेड वर्क बबडी ट्रे ट्रे डी असा घर कोन विना कोन विना ऑफिस वरी एडेड हां वरी ब्यू प्रोजेक्ट वरी मतलब सर यो जको आ ना जको जी सर मुके बतायो त न बबा ट्रे ट्रे डी जके आन वे घर का बाहर हुंदा घर के टाइम ने दी सकंदा यो वधी कर इशू जको चलो छोकरन के पोप माफ थी निंदो आ पर छोकरन जला वडो इशू हुंदो आ न सानिया कदी कभी अच्छा तुमने क्या बोला तीन दिन वाली कौन सी बात बोली नहीं कुछ भी नहीं समझी जब मैं ये बोल रही थी कि सर बोल रहे थे कि है ना तीन दिन जो है हम अपने काम के हवाले से भी बाहर रहे हैं तो मैं वही उनसे अर्ज कर रही थी कि जब लड़के बाहर रहते हैं तो चलो ठीक है फिर भी हजम हो जाती है घर वालों को बट लड़कियाँ जब एक दिन भी बाहर रहे और इस फील्ड में तो यार होता है ना क्योंकि हम शोज करते हैं जैसे सिंग वगैरह करती हो आउट ऑफ सिटी जाती हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम रात गई और है ना क्या कहते हैं सुबह को 7-8 बजे तो तुम्हारी वापसी हो रही है कैसे कैसे मैनेज करती हो बिल्कुल कैसे मैनेज करती हो अम्मा को साथ लेके जाती हूँ अम्मा को साथ लेके जाती हूँ उनकी वजह से मेरी बचत हो जाती है तो उन्हें साथ ले जाती हूँ तो वो बोलती है कि ये क्या अजीब आधे घंटे पौन घंटे के एंट्री के लिए पूरी रात रुकी हो पागल हो क्या तो बस जिसको जिसको जिस काम का शौक होता है ना उसके लिए अपना टाइम भी वेस्ट कर लेता है उसके लिए टाइम निकाल भी लेता है और दूसरा कोई अगर देखे तो वो कहेगा यार आधे पौन घंटे की एंट्री है आपकी और आप पूरी रात बैठे हो ठीक है क्योंकि टाइमिंग है जी जी परेशानी भी बर्दाश्त करता है ख्वारियां भी बर्दाश्त कर लेता है तो बस ये अब मुझे इस चीज का शौक है तो मैं उसके लिए पूरी रात बात है तुम जो जैसे परफॉर्मर हो तो तुम ही उस खुशी को उस मूवमेंट को समझ सकती हो पर जो देखने वाले हैं जो लिसनर होते हैं ना वो नहीं समझ सकेगा यानी कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है पूरी रात हम बैठे रहते हैं गाड़ी में बैठे रहे तो सर में दर्द हो रहा है कुछ हो रहा है तो फिर इस हमें मतलब एंट्री करी सब कुछ ज़हन से निकल जाता है फ्रेश हो जाते हैं यानी हिंजा जी कहती हूं बस ब्रेक जो वहीं पर जो है वधिक कचहरी या गाना जो ने शामिल था कि अपने प्रोग्राम में Subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. जी व्यूअर्स वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक ऐं असांजो जेको टाइम थी वियो आहे जिते ख़बर आहे त सेकेंड हाफ जे असां स्टार्टिंग में ई असां दिलि जूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं सो दिलि जूं ॻाल्हियुनि लाइ तव्हां रेडी आहियो समझ रही हो तुम्हें क्या बोल रही हो सानिया दिल की बात तो मैं चाहिंदा ना पहिरीं सॉन्ग शामिल कयूं म्यूजिक जेका आहे उहा शामिल कयूं पोइ आहे न दिलि जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि मां हिन साइड फायर कंदा दिल की त हो जाए सानिया क्या क्या मैं सुना रही हूँ एक खूबसूरत सा प्यारा सा बिल्कुल प्यारा सा और खूबसूरत से माहौल का खूबसूरत सा सॉन्ग है और अभी ब्रेक में मुझे इन्होंने इतने सारे गाने बता दिए कि सानिया वो सॉन्ग तो अब मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई लेकिन उनमें से एक सॉन्ग भी करवाऊंगी इससे पहले व्यूअर्स उड़ जाएं तो मैंने कहा सिंग में करवाऊंगी आपसे भी दो लाइनें जो आपके फेवरेट सॉन्ग नहीं कभी-कभी इंसान गुनगुनाएगा भी टाइम जब ब्रेक पे जाएंगे उसके बाद ना नहीं नहीं उससे पहले चलो सानिया अभी जो है तुम कुछ प्यारे से हमें सुना दो तो फिर हम ना दिल की बातें करें दिल की बातें दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं नादान है समझता नहीं बिन तेरे रहता
हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा हो गया है तेरा दीवाना। अरे दिल हो गया है तेरा दीवाना। इन पास जो आए थे खलील के चेहरे ते मां एक अजीब मुस्कुराहट। अच्छा परफॉर्म किया इसी वजह। अच्छा हाँ? ये होता है कि कुछ कुछ हमारी यादों से, हमारे सॉन्ग से, गानों से कुछ कुछ हमारी यादें वाबस्ता होती है। हो सकता है कोई इनकी भी कोई। हाँ तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर शेयर हो जाए ना हमारे प्रोग्राम में, इसी वजह से हंसी आई थोड़ी बहुत। खुशी खुशी के मारे। अच्छा, कौन सी खुशी? अच्छा परफॉर्म किया ना इन्होंने। अच्छा उसमें मतलब ऐसी शरारत भरी मुस्कुराहटें आ रही हैं। हाँ होती ना, बहुत सारी यादें होती हैं। यादें हर किसी की, यादें हर किसी की होती हैं, पर यादें जो हैं वो किसी किसी से शेयर की जाती हैं। हर किसी से नहीं, हर किसी से नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे साथ बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ बता दिया यार। ओके अभी जो है हाड़े जी को ऐसा दिल जी गालन जे पास ही दासी। ओके फर्स्ट जी को क्वेश्चन मा किंग का किया केड़े पासे का किया कि स्टार्ट लेडीज फर्स्ट। ओके हो जाए, हो जाए। हां जी दिल जी गालियो हाने दिल जी गालियो जी आ है ने तो दिल जी गालन में पहरी सवाल भी दिल जी हुआ है, दिल की बातों में पहला सवाल भी जो है वो दिल का ही है। हाँ जी तो हो जाए। नहीं हो जाए। ओके कहते हैं कि प्यार में आंखों से दिल से ज्यादा आंखें शरारत करती हैं। सामने अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो कहते हैं कि आंखें रूह की खिड़कियां। सही कह रही हूँ मैं, कुछ गलत तो नहीं कह रही। तो इन्होंने पीएचडी की हुई है? नहीं मतलब माशाल्लाह नॉलेज है ना यार इन्हें, तो आंखों से पता चल जाता है। वैसे दो जब ख्वातीन बात कर रही हो ना मर्द वहां पे चुप ही रह लो, चुप ही रह चाहिए उनका। और जो ख्वातीन बात कर रही हो तो नहीं, जब हो जाए तो आप अपनी राय दें। हाँ जी अच्छा जी तो आंखों से पता चल जाता है। हाँ आंखों से पता चल जाता है। गुस्सा भी तो पता चल जाता है। ओके हाँ इतने इतने कुछ ये आए थे सवाल जो मैं सिंधी में लिखे लाए माँ जो उर्दू में इनके ट्रांसलेट थी क्या आए कुछ सवाल यो आए थे प्यार जो इजहार करण जे मामले में कितना शर्मीला है, प्यार का इजहार करने के मामले में कितनी शर्मीली हैं आप? इजहार करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जो लोग मेरे करीब हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ तो उनका कोई काम कर देती हूँ।
मतलब बनाती नहीं हूँ खाना, चाय बना कर दे देती हूँ तो अच्छा, चाय कितनी अच्छी बनाती है, चाय अच्छी बनाती अच्छी बना अच्छा मतलब वो जो ये जो बाहर पठान का होटल होता है उससे अच्छी होती है मेरी चाय। पठान की तो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी थी, उससे भी अच्छी मेरी चाय होती है, क्योंकि जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वो घर आते हैं तो वो बोलते हैं कि यार बस सानिया की चाय पीने के लिए। तो अभी ऐसा करेंगे ना, अभी ब्रेक आएगी तो मैं सानिया को जो है वो अपने किचन में भेज दूंगी, सानिया चाय बना के चाय बना सकती हूं, चाय बना के सीखी है किसी से ना, नाप तोल से एक कप में कितना होना चाहिए, हाँ। वो वाला है। ओके जी, सानिया जो है वो शॉपिंग में कितनी बार्गेनिंग करती है? मुझसे नहीं होती, मुझे ये लगता है कि अगर किसी ने कोई 5,000-8,000 की चीज़ बता दी तो मैं 7,000 तक जाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार ये शॉप में है इसकी नहीं, नहीं, एक मिनट 5,000-6,000 की बता दी तो मतलब कि तो फिर मैं बस 1,000 कम कर लूँगी, 500 कम कर लूँगी, ज़्यादा नहीं। वो इस वजह मुझे बस ऐसा फील होता है बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, इतने लोगों को दिखा रहा है, तो ये पता नहीं इसको पता नहीं बच रहे होंगे कि मेरे साथ मासूमड़ी आए नहीं अभी तक मेरे पता नहीं है उन्होंने जो छाओ ना ताकि खबर होंगी तो पूरा जो को आए अध का अध बुधाईदा है प्राइस ऐसे ही होता है, मुनाफा थे उन्होंने, ऐसे ही होता है सम टाइम जिस शॉप पे आप जाते हो जिस हैंगर में आप वो हैंग हो रहे होते हैं ठीक है, उस हैंगर पे आप देखेंगे कोड लिखा हुआ होता है राइट, उस कोड में वो ये भी मेंशन होता है इसमें इतने पैसे कम करने होते हैं, ये उनकी एक अब मैंने सुना है कि इतने ज़्यादा जो वहाँ पर लोग होते हैं वो इतने होशियार हो गए कि वो अपना कमीशन भी अलग से रख कर बता रहे होते हैं, रख के बता रहे कि हम इतना अपना जो भेजा फ्राई कर रहे थे बिना वजह में ना करें, हमें इसमें भी लग जाए कुछ, बिल्कुल मासूम सी है वो, बिल्कुल इतनी बार्गेनिंग नहीं कर रही, चलो ठीक है 7,000 का बता दिया तो 6,000 करवा लिए बस, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादती हो जाएगी ज्यादा नहीं वो मेरे पति क्या मेरे जो दोस्त अच्छा, है ना वो मेरे साथ जाते हैं। सानिया तुम मुझे बताओ, तुमसे मैं पूछ रही हूँ कि ज्यादा जो क्या तुम समझती हो कि ज्यादा लड़के बार्गेनिंग करते हैं एक्सपर्ट हैं या लड़कियां? ओह अल्लाह तौबा, मतलब के बोलते ना आंसू निकाल देना इस तरह करके मैं कहती हूँ कि यार बस कर दो, मेरे दोस्त साथ होता है मैं उसको हाथ दबाती हूँ, यार नहीं करो बेचारा, यार नहीं करो नहीं करो, तो चुप हो जाओ तुमको नहीं पता ये आधे से आधा वो होता है इनका, और नहीं दो, तो मैं उसको कह रही होती हूँ यार नहीं करो बेचारे को कुछ तो कमाने दो। सही, अच्छा जी नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सानिया के पास कितने रॉन्ग नंबर्स आते हैं? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, हाँ। मुझे सिम चेंज करती होंगे, मुझे सिम चेंज करना बहुत ही कोई बुरा काम लगता है, मेरी एक सिम 5-8 साल, लेकिन इतने ज़्यादा मैं परेशान जब तक बर्दाश्त कर सकती हूँ ब्लॉक मारती हूँ। अच्छा ऐसा होता है ना कि कभी हम रॉन्ग नंबर ऐसे अजीब अजीब से होते हैं और ऐसे मतलब फ़ोन उठाते हैं तो इतनी अजीब अजीब से बातें करते हैं, आपका आवाज़ कितना प्यारा है, हमें आपसे बात करनी है, तो वो जो जुमले होते हैं और कभी सानिया जो है वो बहुत मूड ख़राब हो तो क्या बोल, बस कभी ऐसा हुआ कुछ बोल दिया बहुत गंदा सा बोल दिया हो तुमने? मेरा जो है ना मूड 80% खराब ही रहता है, 20% अच्छा होता है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि यार आपकी ना जान ना पहचान, ये अजीब हो जाती हूँ ना मैं, यार क्यों किया है? अच्छा कभी कभी ट्राई किया है मतलब बचपन की बातें, कभी ऐसे रॉन्ग नंबर मतलब फ्री में पहले सब टाइम ऐसे भी होता है ऐसा शुरू में जब नया शौक था, नया नया मोबाइल था, BTCL बस मिलाते थे और फिर ना आगे से बातें सुन रहा था कोई गुस्से में कोई। अच्छा सर खलील जो है ऐसे बता रहे हैं जैसे उनको बहुत एक्सपीरियंस है, नहीं एक्सपीरियंस बहुत है, नहीं हर चीज का एक्सपीरियंस बहुत है, मुझे समझ में आ गया है, बस फील में रहे हैं, हमारी फील ऐसी है। अच्छा वो रॉन्ग नंबर ज्यादा मिलाती है इसी वजह से, मैंने कहा इनको थोड़ा हेल्प करता हूं। आपको ऐसी मेमोरी हमारे साथ शेयर करें। अच्छा ये नहीं नहीं ऐसे मजे मजे के सवाल आ रहे हैं ना। अच्छा चलो मैं ये मुझे सवाल जो है वो याद करवाना, मैं रिपीट करूंगी उस साइड जब तक ये ना इतने मतलब ना सियाड़ा अपने माइंड में ना जवाब वो तैयार हो जाए, हाँ प्रिपेयर पर कर तुम अच्छा जवाब दिया। सानिया के पास हम नेक्स्ट सवाल के साथ आएंगे, सानिया के लिए नेक्स्ट सवाल है, कहते हैं कि प्यार में भूख नहीं लगती और लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, ऐसा वाकई होता है? नींदें उड़ती पर ऐसा क्यों होता है? नींदें उड़ती हैं शायद टेंशन की वजह से, नींदें उड़ जाती हैं। प्यार में कौन सा टेंशन? अरे यार एक बंदे को आप उससे बात करना चाह रहे हो, दूसरा बंदा आपकी तरफ आपसे सही रिस्पांस नहीं दे रहा है तो फिर थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं तो बताती हूँ बात करना है तो करो, नहीं करना तो भाई नहीं करे तो टेंशन नहीं लेती। हाँ मैं टेंशन नहीं लेती, और खाने का तो
कोई वैसे भी कोई खास शौक है नहीं। अच्छा, कितनी सेंसिटिव वो, मतलब कि अगर कोई कोई डांट दे तो रो दे? बहुत। अरे भाई, शुरू में स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मैं सबको शोज़ में जानती थी, हर एक म्यूजिशियन को नहीं जानती थी, हर एक का एक अपना स्टाइल काम करने का, मैं नहीं जानती थी, तो मैं अपने स्टाइल में काम करती थी, वो अपने स्टाइल में काम करते थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो अब मैंने जिनसे शुरू में बातचीत की, जिनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा, उन्होंने मुझे कहा कभी भी आपने म्यूजिशियंस को कुछ नहीं कहना है, वो आपके उस्ताद हैं, वो आप कितने भी बुरे हैं वो आपसे ज़्यादा ही जानते हैं। सही। अब वो जो एक बार शुरू में आ गया मेरे दिमाग के अंदर ना फिट हो गई है, फिट हो गई, तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं कहती हूँ क्या हो रहा है क्या। और पर अब उन्होंने उन्होंने अपनी झेप मिटाने के लिए मुझे डांट दिया, आप तैयारी करके नहीं आई हो। अब मेरे तो जो मुझे मतलब मैं घर आई हूँ, मुझे वाकई में ना खाना अच्छा लगे। वैसे होता है कि लड़कियां जो है ना छोकरी जैसे है ना वही सेंसिटिव होती हैं। हां, सेंसिटिव होती हैं, सही बात है। पर वो ले केड़ी छोकरी होती हैं, मात नहीं आया, लेकिन छोकरी होती हैं जो कि होती हैं जो नंडी सी गाल थे डरको नहीं, वो आए तो वो आना रोई डींदी वाहे। बहरहाल, लास्ट क्वेश्चन सानिया जिला, सानिया तुम्हारा फर्स्ट क्रश कौन था? बचपन में ही होता है यार फर्स्ट। मुझे मेरे चाचू बहुत अच्छे लगते थे। क्रश दिल दे दिया तुमने अपना, मतलब वो मुझे इस हद तक अच्छे लगते थे, हैंडसम है, हैंडसम थे, बातचीत का उनको तरीका बहुत अच्छा था, और जब मैं मुझे घर में जब भी कोई टेंशन होती थी मैं उनके पास जाती थी, तो यहाँ तक कि उस टाइम पे इतना कुछ सेंस नहीं था, मैं उनको ख्वाबों में भी देखती थी। कितनी एज की थी तुम? मैं होंगी कुछ इस वक्त 10-11 साल की, मुझे और कुछ नहीं पता था, बस मुझे, मैं अक्सर ख्वाब में सोती थी, मुझे लगता मैं चाचा के साथ बाइक पे घूम रही हूँ या गाड़ी में निकली हुई हूँ, गोलगप्पे खा रही हूँ, इस तरह की चीजें आती थी। सबसे पहले मुझे वही अच्छे लगे थे। मुझे याद आ असां वटि हिकिड़ो पैरट हूंदो हुयो, त मतिलबु आई रियली लाइक्ड हिम अ लॉट, सो इट वाज़ माय फर्स्ट क्रश, यू कैन से दैट। फर्स्ट क्रश, ओके जी, ओके ओके ओके। हाणे थोरा सा जेके आहिनि उहे सवाल, अच्छा ओके, हाणे जेके आहिनि ब्रेक जो बि टाइम थी वियो आहे, अव्हांखे थोरी सी मोहलत ॾियो, साहु खणी वठो भले। नाज़रीन, ब्रेक तरफ़ हलूं था, पोइ जेके आहिनि सवाल कंटिन्यू कयूं था। Subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. जी हाँ, वेलकम बैक। ऐं मां जेको आहे बस तव्हांजे इंतज़ार में आहे, नाज़रीन त तव्हां अचो ऐं मां सवालनि जी जेका आहे बौछार आया हिन पासे ए छटरा। ओके जी, हाणे सवाल ईंदो, इलाही असांजो सवाल आहे, इलाही आसान आहे, पेपर में भी ये हूंदा आसान सवाल हूंदा, लिखणु मुश्किल हूंदो। कॾहिं प्यार कयो आहे? बिल्कुल कयो जी, कयो आहे। कंहिंसां कयो आहे? इंसान सां ई। इंसान सां कयो आहे? कामयाबु थिया प्यार में? हा। तव्हांखे वधीक चाह हुई या हुन अॻिले बंदे खे वधीक चाह हुई? आहे असां आहे, मतिलबु ॿिन्हिनि खे आहे, हुई या आहे? आहे। कामयाबु थिया? माशाल्लाह, माशाल्लाह कामयाब थे। वाह, ज़बरदस्त। माना इंसान जेको ईअं ई हुजे, ऐं मता ईअं थी सघे थो त मता जेको आहे थोरो सो तव्हां में एड करे ॿुधाईंदा हुजो। हा, अच्छा जी, ब्रेक में थियो आहे न? सीक्रेट वारी ॻाल्हियूं आहिनि, तव्हां असां सां नथा शेयर करे सघूं, इलाही सां वरी ॿिए सवाल जे तरफ़ था अचूं। ओके जी, सच ॿुधायो त अव्हां पाण केतिरियूं दिलियूं ॾुखायूं आहिनि? केतिरियूं दिलियूं ॾुखायूं आहिनि? कोशिशि त इहा आहे त न ॾुखाइजे, वरी बि इंसानु आहे, फ़रिश्तो त न आहे, त कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आहे कंहिंखे। हिकु जी त मूंखे पक आहे, ॿियूं ॿुधायो। हिकु जी पक आहे? अच्छा, न बसि हिकिड़ी उहो ई आहे। केतिरा फ्लड रहिया आहियो? डोंट बिलीव ऑन न, 1% भी न, बिल्कुल भी न, माना मज़ाक मस्ती दोस्ती पंहिंजी जॻह ते फ्लड ईंदा, फ्लड बिल्कुल भी न।
अच्छा जी ठीक है जी ओके हाँ नेक्स्ट सवाल की तरफ साचू अच्छा इतना खबर है मैं पांजा भी ऐड भी करनी है ना सवाल ताकि खबर आने बाबी वजन वजन से कम कर सो यस आई कैन रीड योर फेस एक्चुअली हां जी नेक्स्ट सवाल आ है जिंदगी में कितना भेरा हुआ रोना आयो केड़ी वजह हुई रोने जी जिंदगी में कितना भेरा रोनो आया आई थिंक Twice. Exactly. When I was missing my parents, I was abroad, and there was some occasion hoyo. I really missed them. School jo hoyo, so they were not there. So I mean, missed kyun man? One of the part of life. Okay. Next sawal taraf taachu. Ama jadi kema jaan chhanan chahinda hai. Aksar kedo bahano karda hai. Bahano kedo karda hai ya? जान छजाणी ज़री गला की मां जान छजाणी हुंदी आए अगर गाड़ी में आयो तो म्यूजिक के तेज कर छदो आ राइट तो मतलब वो खामोश थी वने खामोश थी वने अच्छा या अगर कमरे में आयो तो कमरे का बाहर हलो नी आ अच्छा वो जिंदगी में वो शख्स जे मां लाई इरिटेट थी ना हो जो आहे कोई भले नालो न खणो आहे कोई माना कि हर बार मिले हर बार असा इरिटेट थियो माना उन जी गालुन मा इरिटेट थियो ने बिहेवियर मा ये न हुंदो आ मुजी और ये नेचर है जैसा मा इरिटेट थी ना उनसा गालन छडे दिनो आ गालन छडे एग्जैक्टली या तो बिल्कुल साइड ते या तो बिल्कुल या तो कोई भी गले पवे हो ता गालन न होना ता गले न पवनो मतलब इट्स लाइक गालन छडे दियो बजाय तो उन ता बैक बाइटिंग के हो या को मतलब का रश का गाल चई वठो सो इट्स बेटर के आप साइड में थियो साइड ते थियो ओके जैसे ता पने पान के छा पूरा समझो ता कंप्लीट समझो ता पने पान की अन अधूरा है अधूरा अधूरा एग्जैक्टली कंप्लीट दार ता मतलब केंजी नथी थी सके ऑलवेज समथिंग इज मिसिंग मिसिंग ओके जी केड़ी ख्वाहिश जका जिंदगी में अन्या ताई पूरी नथी हुई जे जिद्दो जहद अन्या हलंदी हुजे या बेसिकली मां फैंटेसी में तरह कोन तो आज ताई माशाल्लाह जेतरी गुजरी है जिंदगी तमाम सुठी है बेहतरीन गुजरी है ऑब्वियसली स्माइल टीयर्स दुख परेशानियों इज पार्ट ऑफ लाइफ राइट बट इट डिपेंड्स ऑन यू के ता किया ता उनके कूप अप क्यों तो बहरहाल एड़ी का फैंटेसी ना है मुझी त मतलब का ख्वाहिश हो जे अल्हम्दुलिल्लाह चाहे हुआ वो पाए हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा छा दिल में दर्द थिंदो आ की थिंदो आ दिल में दर्द फिलहाल एकड़ी शे जो दर्द है केड़ी शे जो असा हो जे सामू शय पयन असा ओडे भी ना से या हो असा नहीं ओ इते सेल्फ सर्विस आ अच्छा। सेल्फ सर्विस आ जी आई पर जे को सवाल जे को ना वो आ ना बतायो कम टू द पॉइंट सवाल मुझे आए दिल में दर्द थिंदो है पर वो की दर्द थिंदो आ पोएट्री तो बुलाए एकड़ी उन्हें में ताके जवाब में भी मिलेगा ठीक अगर मैं समझी सकियम तो ना पता सा सवाल ना जी मेरे बस में नहीं था कि कुदरत का दिया हुआ काटता मेरे बस में नहीं था कि कुदरत का लिखा हुआ काटता तेरे हिस्से के आए हुए दिन कोई और काटता आरी से भी ज़्यादा घाव थे तेरे हर एक अल्फाजों में मैं तो इशारा नहीं काटता तेरी बात क्या काटता तेरी बात क्या काटता वैसे मैंने भी ज़िंदगी गुजारी है शजरे गम की तरह औरों की तरह मैंने भी ज़िंदगी गुजारी है शबर गम की तरह और बेहतर तो ये था कुछ ना कुछ में कुछ नया काटता जबरदस्त पर यो आए तो मना खबर पजी वही तो कितरे टुटिया लाहिन अंदरा अब हाँ सही है हाँ सही गाला है इनके लिए मेरे पास एक सॉन्ग है इस वक्त के लिए तो सॉन्ग हो जाए फिर उसी बुनियाद पे मैंने लिया ताकि आपको एक लिंकअप मिल जाए नहीं हो जाए सानिया हो जाए ना सॉन्ग हो जाए एक थोड़ा थोड़ा अच्छा सवाल आए नंबर चार खान आए सवाल मुझे ख्याल में नेक्स्ट प्रोग्राम ताइने पे करना चाहिए ओके जी सॉन्ग सॉन्ग की तरफ से म्यूजिक हो जाए हाँ जी हाँ जी तो सॉन्ग कुछ ऐसा है जो इन्होंने शायरी सुनाई उस सिचुएशन के ऊपर है आपको भूल जाए हम आपको भूल जाए हम इतने तो बेवफा नहीं आपको भूल जाए हम
से क्या गिला करें, आप से क्या गिला करें, आप से कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए गानो ठही आयो अच्छा जी गानो अगर आयो भी आए तो मां एकरी नंगड़ी सी फरमाइश कंदम जिए माशाल्लाह सा सर अब्दुल गफार तबसम सिंध जडा वडा शायर आहन उनन जे असा वड फर्जंद अज बैठा आहन वो ता है मुझे ला खुश नसीबी जी गाल आ है पर मां चाहिंदम त उनन जी शायरी में अगर को ब लाइनो अगर ता गाई बुधायो गुनगुनाई बुधायो ठीक है ना पर गाल बदन सिंगर ता आयो कौन कौन आयो पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं फिर हम इस बार इस पे भी आऊं मैं अच्छा अंजला आवाज को आए वो वही सागी गाल है वही प्रिपेयर थी ना तो हां मैं गाई सका तो चल या ये भला कहूं तो पोएट्री बुधाए वठो या वो भी बाद में ना ना सी पोएट्री सही है पोएट्री हां बिल्कुल ठीक है थी मान का भी खूब उसे जी का उनन जी पोएट्री जे उनन के ही दे दी के दिल जी धड़कनन में तू तू ही साह साह में बो कोई समाए जे नथो फकत निगाह में माँ क मुर्क आ तुझी सूह तुझो ना ते मथा मा कि लिखा कें बेह जो ना एक दफो लिखो पको दिल ते तुझो ना जबरदस्त जबरदस्त माना तानी सिलेक्शन भी एडी सुठी आहे पोएट्री पोएट तो पोएट्री इलाही कंदो आहे जी पर सिलेक्शन भी आना जो होंदो आहे पढ़ण वारो दा जी अवा त अच्छा अवा पढ़ करी पोएट्री कई आहे बिल्कुल पोएट्री भी कई है चाहे मैं ये गॉड शामिल कई अवा शामिल कई अवा जी पंजी भी पोएट्री अवा जी न हुई ना ना वो मुझे नहीं इनफैक्ट शुरू में जी प्रोग्राम में जो गॉड गिफ्टेड छै आ है मु में पर यो है त एक मतलब बाबा जी पंजी रिस्पेक्ट है पंजी जगह है आई मीन आई कैन नॉट बी एट हिज प्लेस नेवर आई कैन बी नेवर बी बट यू आर द थोड़ी घणी पोएट्री बिल्कुल आहे जी अपो कदे वो थियो ता जे त भई बाबा जके उनन जी माशाल्लाह से इतरी सारी बुक्स भी पब्लिश थियो आ तहां कदे ट्राई कयो त मा भी बेसिकली लाइफ में करियर में एतरो इन्वॉल्व बिजी रूटीन भी थे टाइम वर्क सीरियसली आई मीन सम टाइम वी डोंट हैव अ टाइम यू नो त इन जे करे थोड़ो टाइम जो भी आहे पर ऑफ इंदो किताब इंदम लिखनम पर इट विल टेक सम टाइम ओके ओके आई ओ ही आए ना त माना के अवा जो को आए डायरेक्शन ने प्रोडक्शन जे साइड अची वो भी अन अच्छा चबो आए वो भी हटके डायरेक्शन जी अवा माशाल्लाह सा अवार्ड भी माणियो आए बाबा जके नवा अवां जा जके पोएट आए हैं ना अवा वरी माना अलग ही थी वने ना यार चलो सिंगिंग में अवा सी हो त पो Exactly. पर तुम्हें जो है वो आराम से हम टाइम देंगे तुम चाय बनाना पर अभी हम तुम्हें पिला रहे हैं चाय
अच्छा जी, वो की इत्तेफाक थी मुझे सवाल जेको आए वो अधूरो रहजी वयो। थैंक यू। चाय प्लीज। प्लीज हां, तो मुझे सवाल जो अधूरो रहो मोयू पे सवाल कियो तमान जे का वरी थोड़ी सी हटके ही थी वही ना। जी बेसिकली इन कर शुरू में अर्ज किया ना, तो उन वक्त मीडिया जो एकड़ो बूम अचे पे पूरे पाकिस्तान में ना, तो आई वॉज लाइक रिसेंटली मां भी अब्रॉड में शिफ्ट थियो में थे, तो इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ठीक है ना, तो उनके मुँह अवेल कई और ऑब्वियसली डेडिकेशन है जी, हार्ड वर्किंग एकड़ी थी है, तो उसमें अभी तक जारी है और इसी वजह से। हाँ, उतना जबरदस्त। अच्छा जी, अरे असा तांगा पूछना सी, एकड़ो बियो सवाल पूछना सी, इलाही इंपॉर्टेंट सवाल है असने प्रोग्राम में। एकड़ी गाल तो बुधायो चाय की लगी। अच्छा, आया मासे फायो ना है से फायो ता जो तोबिन जो रुख हिन पासे दे छो आ गए बस मथा जके बैठा इन जके गला मा समझी हम समझी हम उने जी मेहरबानी वानी है। अच्छा चाय जको यो बिल्कुल असन माने इंपॉर्टेंट सवाल हो प्रोग्राम में जो हाई टी विद कुरैशी में आया वहां के सच्ची बुधाण वा चाय की लगी मा तो पेरी पी बैठा बेस्ती थी मैंने मुझे अच्छी चाय अच्छी है। अच्छा वो दोनों ने जेको चाय ठाई तो ना जिए अडी जबरदस्त जका वो बैठी आई चाय ठाई दर तो वो वधिक जस्ती सुटो जस्ती करे सके तो चाय जका वो किए हुई। वैसे पुराने दौर में पुराने दौर में जब रिश्ते के लिए आते थे किसी के घर पे, तो लड़की की मतलब तस्वीर से पहले ये ही पूछा जाता कि चाय कैसे बनाती है। अच्छा तो पहले अभी अभी से ट्रे में लेकर तो जाते थे, अब तो काफी ट्रे में लेकर जो चाय जाते थे। हाँ, क्या वो यही तो है, यही होता पर तदे तदे या हाने भी जो है वो कोर ड्रामन में ये दिखाई ना तो कहीं भी छोकरी जो रिश्तो इंदो आए तो वा डिश खणी विंदी आए, ट्रे खणी विंदी आए, चाय उन्हें कपड़न दे हारी है आए उते एक एकड़ी जोर तरह जी बीट ही नहीं आए। अच्छा ये वा बिल्कुल लंबी ओके, लेकिन हुआ होगा ये किसी के साथ वैसे ही। अच्छा अच्छा आजकल से क्या है ना, अच्छा यो भी चलो ठीक है यहां तक आ लेते तब हम कहियो। आजकल से का कुछ ये भी थी वा जदे रिश्ता इंदा है या रिश्ता मानो खणी विंदो है तो छोकरे जे वाले से ये पूछ यो पूछी ना तो अब्बा तां के छातो ठाण अच्छे छातो पचाण अच्छे यो भला कथा है थवा बीच में कभी सॉन्ग आ जाता है बीच में, तो इतना रहने का यही तो फायदा है। अच्छा जी, तो मुझे जो जवाब है ना इतना मज़े मज़े का जवाब जो है, इतना सवाल मैंने मज़े का कि मुझे जवाब नहीं मिला, ऐसे क्यों है? क्या चीज़ ये वाकई ये थी जो मजाक नथी के ना बुधायो वरी रिश्ता जी के वो खणी वन बाइन या रिश्तो इंदु आए त हाने आजकल छोकरन का पूछो तो वने त भई तो उनके कुछ ठाई नहीं। बेसिकली ने जे करे छोकरे आफ्टर शादी वो आई थिंक जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया, तो अकेले जब सेपरेट रहेंगे तो ऑब्वियसली दोनों को पकाना पड़ेगा, इसी वजह से वो पूछते होंगे। वो आवा आवा जे घर में ठाईंदा होनो वानी घर में घरवारी ठाई दिया है, बाहर जदे रहंदो आया तकरीबन त पो मा पान ठाई घर में पर कैटरिंग के छरे करे आई विल ट्राई समथिंग डिफरेंट, मतलब प्रोडक्शन हाउस समथिंग लाइक दैट। ओके, सानी बस खूब सारी आवाज सा दुआ है तमा जेको भी सोचो था वा जने माना जेका सुठी सोच त रखो में आवा के अल्लाह से बिल्कुल कामयाब का दो। आरे जेको आया सा वट टाइम भी जेको सफा थोड़ो बचो है, पर मैं चाहिंदम त पने प्रोग्राम में जेको वो गेम भी ऐड कया। सो गेम थी वने ये क्या था अभी तक गेम ये अच्छा ये दिल जो गाली हुई है गेम कौन नहीं गेम कौन नहीं। सो असा वट बास्केटबॉल भी आए, डार्ट्स गेम भी आए, आई जेको है वो टिप दई बॉल बास्केट में विझण वाली भी गेम आए। अवां की मां चॉइस थी दिया पहरी 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 हिन पासे इंदम मां जो जो सवाल पहरी हिन पासे मां शुरू कया हुआ। हां गेम ता हाने मुझे बताया त मां चिट कढा या अवां की मां चॉइस दिया त ता चिट में जेको मां कढनम चिट आई जेका भी गेम निकती एंट्री मां वा के खेलनी पंदी।
ऐं अगरि तव्हां चाहियो त मां तव्हांखे चॉइस बि ॾेई सघां थी। अवां जेका डाट गेम आहे तीरंदाज़ी, ऐं इहे जेको सो आहे बास्केटबॉल आहे, ॿियो वारी टिप ॾेई, इहे थोरी सी डिफिकल्ट आहे। ओके जी, माना असां जेको आहे उहो गेम जे तरफ़। ओके, तव्हां हाणे प्लीज़ पंहिंजी पोज़ीशन ते ईंदो। जी, इहे टे बॉल्स आहिनि, मां ट्रॉली जेका आहे इहे प्लीज़ आप पकड़ेंगे। हांजी, थोरी सी म्यूज़िक बि थी वञे, थोरी सी म्यूज़िक हो जाए गेम के दौरान। टे बॉल्स आहिनि, ऐं ॾिसूं था तव्हांखे टैप करे ज़मीन ते ऐं पोइ हिन में विझणो आहे। ॾिठी त हूंदी न गेम, बहुत बुरे गेम में, बहुत बुरे गेम में तव्हां इलाही बुरा आहियो गाना गेम में। सो असां जेको आहे उहो मूंखे कुझु बार बार जेको आहे चवनि पिया, आई गेस टाइम जेको आहे वञी सफ़ा थोरो बचियो आहे। इला जेका सानिया आहे उहा बची वई आहे, पर असां जेको सो आहे उहो बाद में खेॾंदासीं। ओके जी, नाज़रीन असां वटि जेके ॿ इलाही ख़ूबसूरत ऐं इलाही टैलेंटेड गेस्ट आयो आहे, थैंक यू सो मच तव्हां ॿई आहियो। नंढिड़ो सो तोहफ़ो आहे मूं वटि तव्हां जे लाइ, ख़ूबसूरत माण्हुनि जे लाइ ख़ूबसूरत फ्लावर्स जो बुके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सानिया सर। थैंक यू। ऐं असांजो जेको सवाल हुआ या कुझु पर्सनली बिल्कुलु न खणिजो, असां बसि ई चाहींदा आहियूं त असां जेका व्यूवर्स आहिनि उहा एंटरटेन थियनि। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग साइंस। अगरि असांजो जेको प्रोग्राम जो टाइम आहे वञी पुॼी पुॼाणी ते पहुतो आहे, मां हमेशह चवंदी आहियां त असांजो फेसबुक ते पेज आहे हाई टी विद हिकिड़ा कुरेशी जे नाले सां, हुनखे उन ते कॉमेंट कंदो, शेयर कंदो ऐं लाइक बि कंदो। इन सां गॾु मां मुंहिंजी होस्ट इकरा कुरेशी खे ॾींदा इजाज़त सुभाणे ताईं। अलाह हाफ़िज़। हेलो एवरीवन, दिस इज़ इकरा कुरेशी। मां खणी आई आहियां अव्हां जे लाइ हिकु नओं ऐं मुनफ़रिद प्रोग्राम। हिन प्रोग्राम में असां शामिल कंदासीं अव्हां जा पसंदीदा सेलेब्रिटीज़ हर सैटरडे ऐं संडे ते 5 to 7 हाई टी विद इकरा कुरेशी में।